सोलन में ऑल इंडिया लोक निर्माण विभाग एवं जल शक्ति विभाग के अनुबंध कर्मचारी यूनियन सोलन इकाई के चुनाव प्रदेश इंटक महासचिव जगतार सिंह बैंस की अध्यक्षता में संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से सोमदत्त शर्मा को प्रधान, हरनाम सिंह को महासचिव और अनिल कुमार को वित्त सचिव चुना गया। इस अवसर पर प्रदेश इंटक महासचिव जगतार सिंह बैंस ने बताया कि ऑल इंडिया लोक निर्माण विभाग एवं जल शक्ति विभाग के अनुबंध कर्मचारी यूनियन सोलन इकाई के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से सोमदत्त शर्मा को प्रधान चुना गया। नवनियुक्त प्रधान सोमदत्त शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें जो दायित्व सौंपा गया है उसका निर्वहन वह भली भांति करेंगे। सोमदत्त शर्मा ने कहा कि वह कर्मचारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे व कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। आज ऑल हिमाचल पीडब्ल्यूडी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर यूनियन का इलेक्शन, सोलन ब्रांच का इलेक्शन कराने का दायित्व दिया गया था, जो आज यहां पर कोई 130-135 के करीब डेलीगेट जिन्होंने इलेक्शन में भाग लिया वो यहाँ पर हाजिर हुए और उन्होंने आज सर्वसम्मति से यहाँ पर सोमदत्त शर्मा जी को प्रधान चुना अपना, और कोषाध्यक्ष और महासचिव के तीन पदों का इलेक्शन किया गया। इसके बाद उन्हें दायित्व दिया गया कि भई आप बाद में जितनी भी आपकी कार्यकारिणी है कार्यकारिणी को गठित करें ताकि जो हमारे कर्मचारियों मजदूरों की समस्या है उसे हल कराने के लिए हम दिन रात प्रयत्न करके उनकी जो समस्याएं हैं उसे हल कराया जा सके। प्रधान का दायित्व दिया गया जिसे मैं निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा और सभी कर्मचारियों को अपने साथ चलने की प्रेरणा के लिए इनको आगे बढ़ाऊंगा और जो भी किसी का कार्य होगा उसके लिए हर वक्त इनके साथ तत्पर रहूंगा। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।